और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और ये आठवीं सूची है जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। राकेश रुस्तम सिंह को मुरैना से प्रत्याशी बनाया है और इसी के साथ 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीएसपी की तरफ से कर दिया गया है। हालांकि मायावती ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव कोई भी हो, एकला चलो रे की राह पर बीएसपी है। और इस बीच बीएसपी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीएसपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीते दिन ही अगर हम बात करें तो बीजेपी ने भी लिस्ट जारी की थी, अपनी पांचवी लिस्ट जारी की जिसमें 92 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। तो बीएसपी ने भी 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और चूंकि अंशिका इससे पहले 7 सूची बीएसपी जारी कर चुकी है और ये 8वीं सूची है जिसमें बीएसपी ने 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया, तो छोटे छोटे कम संख्या में, बहुत ज्यादा उम्मीदवार नहीं उतार रही बीएसपी, थोड़ी थोड़ी लिस्ट 10-12 इस तरह की 11 की सूची जो है वो जारी कर रही है। और ऐसे में बीएसपी की तरफ से जो रणनीति है वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी पर, जिस तरह से दलित में उनका विश्वास है, दलित वोटर्स को आगे लाना और दलितों के उत्थान के लिए काम करने का उनका जो लक्ष्य है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसी के आधार पर वे यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं। चूँकि एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो आदिवासी और दलितों का, चूँकि मध्य प्रदेश क्षेत्र कहा जाता है, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो कि इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में एक बार फिर से है, देखना होगा कि कितना जनादेश इन्हें मिलता है। दतिया की सेवड़ा विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी राम कुमार गुप्ता जब अपना नामांकन फॉर्म लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो अधिकारी दंग रह गए। दरअसल वे अपने साथ एक और 2 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कर्मचारी के सामने सिक्कों का ढेर लगा दिया। दरअसल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए चिल्लर लेकर पहुंच गए राम कुमार ने 10,000 के सिक्के कर्मचारियों के सामने रख दिए। कर्मचारियों को सिक्के गिनने में पसीने छूट गए। राम कुमार गुप्ता वैद नाम के इस क्षेत्र के मशहूर हैं, उनको वैद के नाम से जाना जाता है। उनका कहना है कि उनके पास नोट नहीं है, छोटी सी दुकान है जिसमें सिक्के ही आते हैं। अब चुनाव लड़ना है इसलिए ये जोड़े हुए सिक्के लाया हूँ, थोड़ी सी जमीन है उसको बेच कर चुनाव लड़ूंगा। और आज वर्ल्ड कप में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत मैदान धर्मशाला पर यह मुकाबला खेला जाएगा और दोनों टीम्स पॉइंट चार्ट में नंबर 1 पर रहने के लिए जीतने की कोशिश करेंगी। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने ही 4-4 मैचें जीती हैं। जो भी टीम ये मैच अपने नाम करेगी वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ जाएगी। इस समय कीवी टीम पहले और भारत दूसरे नंबर पर है। और अंशिका, चूंकि पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें तो पॉइंट्स टेबल में जो अभी स्थिति है उसमें सबसे बेहतर टीम इस वक्त अपने रन रेट और सभी मैचेस जीतकर नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड आगे है और नेट रन रेट पॉइंट समथिंग से भारत पीछे है। और अब आज ही अगर भारत ये मैच जीतता है तो फिर भारत को रोकने वाला इस पूरे टूर्नामेंट में कोई नहीं, क्योंकि अब तक सभी टीम्स को भारत ने चारों खाने चित किया चारों मैचेस में। नवरात्र का पवित्र पर्व पूरे उल्लास और विधि विधान से मनाया जा रहा है। आज माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। अष्टमी को व्रतधारी कन्या पूजन भी करते हैं। माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पूरे 7 दिन देखने को मिली और आज 8 दिन है और कई जगह पर अंशिका अष्टमी पूजन का विधान है, तो कई भक्त नवमी पूजन कर माँ को विदा करते हैं। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए न्यूज 18। टेकराफ्ट सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने किया रवाना। प्रदेश में होंगी 50,000 रथ से सभाएं, 1 करोड़ से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाने की तैयारी।
दिल्ली में एमपी पर कांग्रेस का मैराथन मंथन, दावेदारों के नामों पर हुई चर्चा, कमलनाथ गोविंद सिंह समेत दिग्गज मौजूद। एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने दिया धोखा, तोड़ा गठबंधन। उज्जैन में तंत्र पूजा करवाने पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस को घेरा, कहा लोकतंत्र में जनता की होती है उपासना, शमशान घाट में पूजा करवाने वालों से कैसी होगा भला। कैलाश विजयवर्गीय ने दी दिग्विजय सिंह को सलाह, कहा इस देश में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो सनातन धर्म खत्म कर सके, दिग्विजय अपनी सोनिया आंटी को लेकर रामजी की शरण में जाएं। खतरे में पड़े सिंधिया समर्थक मंत्रियों के टिकट, महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र सिंह यादव और ओपीएस भदौरिया पर नहीं फैसला, बीजेपी के चार लिस्ट में अभी तक इनके नामों पर सस्पेंस। बीजेपी ने जारी की छत्तीसगढ़ में 40 स्टार प्रचारकों की सूची, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी, जेपी नड्डा दिखाएंगे दम, यूपी और एमपी के सीएम भी करेंगे प्रचार। मिशन बस्तर पर कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री, कहा कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले छत्तीसगढ़ में लौटकर नहीं आने वाली, जनता कांग्रेस को अब विपक्ष में ही देखना चाहती है। बस्तर दौरे पर अमित शाह ने कही बड़ी बातें, बोले मनाएंगे तीन दीपावली, पहली त्यौहार के तौर पर, दूसरी चुनाव में जीत पर और तीसरी दिवाली रामलला के दरबार में बनेगी। बीजेपी की सरकार आने पर छत्तीसगढ़ को करेंगे नक्सल मुक्त, बस्तर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा, कहा प्रदेश में बनेगी तीन दीपावली। बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों पर भी भूपेश बघेल ने कसा तंज, बोले हमारे यहां काम पर एआईसीसी देती है टिकट, बीजेपी में रमन सिंह के बताए लोगों को मिलता है टिकट। राजधानी रायपुर में कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी की मांग, कहा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं तो नहीं देंगे वोट, कांग्रेस मुख्यालय पर की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस के बवाल पर ब्रजमोहन का तंज, कल तक बीजेपी पर बोल रहे थे बघेल, आज कांग्रेस में विरोध पर साधी है चुप्पी। महंगी पड़ सकती है रेणुका सिंह को चुनाव। न्यूज़ आयोग ने थमाया नोटिस, बीजेपी प्रत्याशी को कहा था मेरे कार्यकर्ता का उंगली काटा तो हाथ काट लूंगी। पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से की बात, कहा अस्पताल में मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं, मदद देना रखेंगे जारी। शरद पवार ने इसराइल के सपोर्ट पर पीएम की आलोचना की, असम सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है वे अपनी बेटी को हमास के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे। तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने 24 केस किए, सांसदी छीनी, फिर भी खड़ा हूं उनके सामने। महाराष्ट्र में स्लो पॉइजन देकर 5 लोगों की हत्या, 1 महीने में पूरे परिवार की गई जान, बहू और महिला रिश्तेदार गिरफ्तार। सिंगापुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट से पैसेंजर्स का सामान उतारना भूला इंडिगो, सिंगापुर एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे लोग, सामान को लेकर पैसेंजर्स को